यही वो चीज़ है जो हमारे चेहरे पे फेशियल से भी ज़्यादा निखार लेके आती है। अगर आपके पास सैलून जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपको किसी शादी पार्टी में जाना है तो सिर्फ दो चीज़ें ये मिलाकर आप अपने चेहरे पे लगा लीजिएगा, आपके चेहरे पे पार्लर से भी ज़्यादा निखार होके आएगा। आज मेरे चेहरे की चमक देखिए। अगर ये वाला फेशियल आप करके जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, शादी पार्टी में, बर्थडे में, किसी की शादी की सालगिरह में या तेल पूजन में या कुआं पूजन में, तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे भैया आज क्या लगाया जो स्किन इतनी ज़्यादा चमक और दमक रही है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन बिल्कुल शीशे जैसी चमके, बिल्कुल इतनी अच्छा सा ग्लो आए, तो सिर्फ 10 मिनट ये वाला फेशियल कर लेना आप मेरे बताए हुए तरीके से। वीडियो पूरा देखिएगा और जैसे जैसे जिस तरीके से हमने बताया है वैसे ही आप कर लेना। गारंटी दे रहे हैं कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी, इतना अच्छा सा निखार आएगा। देखिए कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई अचानक से आ जाए और हम सबको इन्वाइट करके जाए कि भैया कल आप सबको मेरे घर आना है, क्योंकि हमारे घर है एक प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम यार कुछ भी हो सकता है, शादी की सालगिरह भी हो सकती है, मुंडन पार्टी भी हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, कुआं पूजन भी हो सकता है, तेल पूजन भी हो सकता है, क्योंकि शादी पार्टियों का सीजन जोर शोर से है। अब ऐसे में दिमाग में यही बात आती है यार ये लोग ने एंड वक्त पे हमको इनवाइट किया है, पहले से बता देते तो थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते, सैलून चले जाते, फेशियल करा लेते। ऐसा बात आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा फेशियल शेयर करेंगे जो इमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना हो और आपकी कितनी भी रूखी सूखी बेजान त्वचा हो, सिर्फ 10 मिनट ये वाला आप फेशियल कर लेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा और साथ में फेशियल से भी ज़्यादा निखार आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ घर की ही कुछ चीज़ें लेनी है जो आपको आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ 10 मिनट तक ये वाला पैक आपको लगाना है, ये वाला फेशियल करना है और उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि जब आप अपना फेस धोगे ना और जो रिजल्ट देखोगे उसके बाद आप सोचोगे कि यार अब हमें सैलून तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट जब घर पे ही मिल रहा है इन सारी चीज़ों को, तो सैलून जाके पार्लर जाके क्यों इतने सारे पैसे हम वेस्ट करें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका चेहरा कितना भी रूखा सूखा बेजान हो चुका हो, कितना आपका चेहरा डल हो चुका हो, फेशियल से भी ज़्यादा निखार आएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो, पहली बार मेरे वीडियो पर आए हो, तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए बादाम। बादाम हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे चेहरे, हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें होता है विटामिन A, B, C, E और साथ में होता है मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करता है। इसको हमने पीस लिया है और इसका बहुत महीन सा पाउडर बनाकर किसी कांच के कंटेनर में रख लिया है। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। इसके बाद आप 1 से 2 चम्मच इसको लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ग्लो बिल्कुल नहीं है, तो आप इसका 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इसके बाद हमको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है केला। केला दोस्तों ध्यान रखिएगा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। इसका हमें केले का छोटा सा टुकड़ा एक ले लेना है और इसको इसमें डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे जो हम लेंगे वो है शहद। हाँ जी, जो शहद होता है वो हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से स्मूथ करता है। अगर आप डेली नहीं तो हफ्ते में 3 दिन अगर शहद लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे, रिंकल्स फाइन लाइंस ख़त्म होगी और शहद आपके 7 लेयर तक जाके आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करके रखेगा, जिससे पूरी सर्दी आपका स्किन ग्लो भी करेगा और दाग धब्बे भी नहीं होंगे। अब देखिए हमने इसको मैश कर लिया है। हमने लिए है फॉक, आप चाहो तो चम्मच की मदद से भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो ना मिलके इतना अच्छा काम करेंगी आपके चेहरे पे। आप इसको अगर हफ्ते में 3 दिन लगा लोगे ना तो चेहरा ऐसा ग्लो करेगा। अगर आप रेगुलर इसको डेली भी लगा सकते हो। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जिससे बाइंडिंग अच्छी हो जाए। ये हमने पका हुआ दूध डाला है, कच्चा दूध नहीं डालना है। पके हुए दूध से आपका जो मॉइस्चर है वो और अच्छे से आएगा। अब देखिए इससे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लेना, लेकिन यहाँ पे हम तेल की मदद से अपने चेहरे को साफ़ करेंगे। हम तेल क्यों ले रहे हैं? हम तेल इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए जो तेल से जब आप वो करोगे, अपने फेस को क्लीन करोगे, तो फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपकी जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट मेकअप है वो सब निकल जाएगी। क्योंकि हमको चाहिए अपने चेहरे पे ग्लो। हम फेस वॉश भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन तेल की मसाज करने से, और विंटर सीज़न भी आ रहा है और तेल जो विंटर से आ गया है चल रहा है, तो अगर आप तेल से मसाज करते हो तो क्या होता है, आपकी सारी गंदगी निकल आती है और चेहरे पे ग्लो बना रहता है, चेहरा रूखा सूखा बेजान नहीं होता है। आप कोई भी तेल ले सकते हो। हम बादाम का तेल हमने लिया क्योंकि मेरे पास नारियल का तेल ख़त्म हो गया था। अब हमने कॉटन की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जब आप मसाज करोगे सारी गंदगी निकल आएगी, चेहरे को आपको रूखा सूखा भी नहीं होगा। जैसे फेस वॉश यूज़ करने के बाद नहीं लगता है जैसे रूखा सूखा चेहरा हो जाता है, वो भी नहीं रहेगा। अब देखिए थोड़ी सी गंदगी निकली होगी क्योंकि हमने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया था फ्रेंड्स, खाली लिपस्टिक लगा के बैठ गए थे। अब देखिए इसको आपको कैसे लगाना और क्या सावधानी रखनी है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको पैक लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम ब्रश की मदद से लगा रहे हैं। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो है हाथ से जो ना ये स्टिक नहीं होता अच्छे से। अगर आप ब्रश की मदद से लगाओगे तो चूंकि इसमें केला मिला हुआ है और केला थोड़ा लिम्सी होता है तो चेहरे पे अच्छे से स्टिक नहीं होता है, ब्रश से अच्छे से स्टिक हो जाता है। अगर आपको बाइंडिंग के लिए आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो, है ना, और नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो, जो भी आपको सूट करता हो। नहीं तो हमने तो कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही हम लगा रहे हैं। तो इसको आपको अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेना। अच्छा, ये वाला जो पैक है आपको इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा काला हो जाएगा वो केले की वजह से, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप 5 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दोगे ना, तो जो बादाम पिसा हुआ बादाम का पाउडर है ना, वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हल्का सा दरदरा सा भी है, वैसे भी वो दरदरा नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है और छोड़ देना है आपको 10 से 15 मिनट तक। देखिए 10 से 15 मिनट तक तो छोड़िएगा ही, इससे ज़्यादा आप मत छोड़ना। तो देखिए 15 मिनट तक हमने छोड़ा है और मेरा जो मतलब फेस पैक है वो कुछ इस तरीके का है। इसके बाद आपको चम्मच से निकाल लेना है तो पानी कम लगेगा। तो देखिए हम धो के आ गए हैं। आप हल्का गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे को हल्का हल्का पोंछना है, मतलब पूरा ड्राई नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो एयर ड्राई होने दीजिए, पूरी तरीके से मत ड्राई करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो चेहरे पे मॉइस्चर है वो बना रहेगा, रूखा सूखा नहीं होगा। इसके बाद आपको वही नारियल का तेल है आपके पास तो नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल जो भी है उससे करनी है अपने चेहरे पे मसाज। मसाज कितनी देर तक करनी है? अच्छा, मसाज करने से पहले हथेली में अच्छे से गर्म कर लीजिए तेल को, जिससे कि अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। आपका चेहरा इसको बिल्कुल पी लेगा और पीने के बाद मतलब ये आप फेशियल करने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे। अगर आपने 10 दिन ये वाला लगा लिया तो आपकी स्किन कितनी भी रूखी सूखी बेजान हो, ड्राई हो, ऐसा आपका चेहरा ग्लो करेगा। पूरी सर्दी बहुत अच्छे से चमक और बहुत अच्छे से निखार रहेगा। तो दोस्तों आप चेहरे की मेरी चमक, मेरा ग्लो देख ही रहे हैं, कितना अच्छा ग्लो आया है। फेशियल से भी बहुत ज्यादा और घर की ही चीजों से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप लोग भी ये वाला फेशियल जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि कैसा आपको रिजल्ट मिला। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।